नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं जीवन टैग गुरु यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ पेटीएम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पेटीएम पे अब गूगल और फेसबुक जो सपोर्ट नहीं करते लॉगिन के लिए, अगर आपका अकाउंट गूगल और फेसबुक से है तो आप सोच रहे होंगे फिर कि मेरे अकाउंट का क्या होगा, उसमें जो मेरे पैसे थे उसका क्या होगा, उसमें जो मेरे आधार कार्ड और जो पैन कार्ड इंटर थे वेरीफाई थे उनका क्या होगा, आप यही सोच रहे होंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब, और अगर आपका अकाउंट जो है गूगल या फेसबुक से तो उसको कैसे जो है सॉल्व करते, वो भी इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी आप काफ़ी घबराए हुए हैं तो मैं पहले जो है बात आपको मैं जो है बता देता हूँ कि टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, ये वीडियो देखने के बाद आप अपने जो अकाउंट को उसको जो एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको सबसे पहले करना क्या होगा। देखिए दोस्तों, अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब क्यों ये सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके बारे में हम फिलहाल बाद में देखेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा अकाउंट हम जो फिर से लॉगिन कैसे करें, ठीक है। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो जा रहे हैं कि उसमें जो आपका पेटीएम जो नंबर जो डालने का आता है उसमें हम पेटीएम नंबर तो डाल रहे हैं, फिर पासवर्ड में हम क्या डालें। आप अपना अगर जीमेल पासवर्ड ईमेल पासवर्ड डालोगे तो वो तो उसको जो है उसमें जो है इनकरेक्ट ही बताएगा, ठीक है। तो चलिए कैसे सब करना है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप अपने पेटीएम अकाउंट को खोलिए, आपको जो पेटीएम ऐप है उसको खोलिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारा पेटीएम जो खुल चुका है। अब यहाँ पर मैं लॉगिन पे जाता हूँ तो यहाँ पर लॉगिन टू पेटीएम एंड क्रिएट ए न्यू अकाउंट है, ठीक है। और ये वर्जन आप देख सकते हैं 0.6.00, ठीक है। तो आप लोग सोचते हैं कि सोच रहे होंगे कि हम ओल्ड वर्जन पर ट्राई करते हैं, शायद वहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। दोस्तों सभी वर्जन पर ये ऐलान हो चुका है, मतलब सभी जो जितने भी वर्जन है किसी भी वर्जन पे अब जो है फेसबुक और गूगल जो सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप अगर ये सोच रहे कि हमारे अकाउंट को जो है डिलीट कर दिया गया या फिर ब्लॉक कर दिया गया हमेशा हमेशा के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं, आपका अकाउंट अभी भी है बट वो लॉगिन नहीं है, ठीक है। तो चलिए पेटीएम पे हम जैसे क्लिक करेंगे लॉगिन टू पेटीएम, उसके बाद यहाँ पर आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर आ रहा है कि रजिस्टर पेटीएम मोबाइल नंबर, ठीक है। आपको जो मोबाइल नंबर था, देखिए आपने जब गूगल से जब लॉगिन किया होगा तो आपने एक नंबर ज़रूर वहाँ पर इंटर किया होगा, ठीक है। तो वो नंबर तो आपको याद होना ही होना चाहिए। अगर वो नंबर आपको याद नहीं है कि किस नंबर से आपने बनाया था, तो फिर नामुमकिन है आपको जो है अपना अकाउंट को जो है रिकवर करने के लिए, ठीक है। तब तो बिल्कुल नामुमकिन है। अगर आपको नंबर याद है तो बिल्कुल आराम से आप जो है इसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर अपना नंबर एंटर करेंगे तो आपने नंबर एंटर कर लिया, पहला काम। दूसरा पासवर्ड, आप सोच रहे होंगे कि आप कौन सा पासवर्ड डालें। आपके पास सिर्फ एक ही पासवर्ड है, वो भी आपका फेसबुक या फिर गूगल का। तो आप अगर यहाँ पर गूगल या फेसबुक का पासवर्ड डालेंगे तो पासवर्ड जो वो यहाँ पर जो आपको इनकरेक्ट बताएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये देखिए नीचे में आपको मैं दिखा दूँ, लॉग इन विथ फेसबुक एंड गूगल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक और गूगल इन नो लॉन्गर सपोर्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर कर लीजिए, पासवर्ड यहाँ पर एंटर मत कीजिए, पासवर्ड आपको पता नहीं, सिंपल आप फॉरगेट पासवर्ड पर जाइए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई फॉरगेट पासवर्ड पर जाने से तो सिंपल वो OTP आएगा, आपका नंबर आएगा, उसको सिंपली वेरीफाई करना, आप ये सोच रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा जो है मेथड अलग है। यहाँ पर आप यस कीजिए, यस करने के बाद यहाँ पर आपको वो नंबर डालना पड़ेगा जिसमें कॉल आएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं लेकिन आप अपना ही नंबर डालिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर जो मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना नंबर डाल दिया है। अब मैं जो यहाँ पर जो है सबमिट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर लिखा है थैंक यू फॉर हेल्पिंग। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब यहाँ पर से हमने जो है सबमिट तो कर दिया, ठीक है। अब आपको एक काम करना होगा, वो आखिरी काम, उसके बाद आपका जो अकाउंट वो बिल्कुल खुल जाएगा, ठीक है। आपका जो अकाउंट है, आपने जो अकाउंट के अंदर जो नंबर दिया था, आप उसी नंबर से आपको कॉल करना होगा। कौन से नंबर पे आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा है 01203888, तो इस नंबर पे आपको कॉल करना होगा, ठीक है। किस नंबर से, जिस नंबर से आपका पेटीएम अकाउंट है। आप अगर आप किसी और नंबर से कॉल करेंगे तो ये जो है आपका कॉल जो डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, कॉल
एंड तक जो है उठेगा, लेकिन एंड में आप जब एंड का जब आपका प्रोसेस होगा उसमें जो है आपको लिंक नहीं भेजेंगे वो लोग, आपको उसी नंबर से कॉल करना पड़ेगा जिस जो आपका पेटीएम में जो आपने दिया है, ठीक है। तो उस नंबर पे कॉल करने के बाद आपको सबसे पहले क्या प्रेस करना होगा, वन प्रेस करना होगा, ठीक है। वन प्रेस करने के बाद सबसे पहले आपको पूछेगा कि आपका मोबाइल खो गया है, तो आपको यस करना है, वन प्रेस करना है। उसके बाद आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, आपके पास एक ऑप्शन आएगा, तो आप जैसे ही पासवर्ड चेंज के लिए आप वन नंबर दबाएंगे, वैसे ही आपके मोबाइल पे एक लिंक आएगा, ठीक है। तो उस लिंक को क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मेरा ऑलरेडी हो चुका है, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो जिस तरीके से मैंने इसको जो है रिसॉल्व किया उस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप उस लिंक पर जाएंगे, लिंक पर जाने के बाद सिंपल स्टेप है, कोई आपको इधर उधर नहीं जाना है। वहाँ पर फिर नीचे आप जो है उसको जो है स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएगा, एक ऑप्शन आएगा क्रिएट ए न्यू पासवर्ड और एक आएगा चेंज पासवर्ड, ठीक है। तो आपको क्रिएट ए न्यू पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। फिर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको उसमें जो है आपका न्यू पासवर्ड और आपका जो है कन्फर्म पासवर्ड आप डालिए, आपको जो पासवर्ड डालना है वो डालिए। उसके बाद वहाँ पर आप उसको जो है सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपके पास एक पॉपअप मैसेज या फिर आपको वहाँ पर दिखाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है या फिर आपका जो न्यू पासवर्ड आपको बन चुका है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप जो भी मतलब जो भी आप था जो भी आपका ईमेल जो भी आपका जो पेटीएम के अंदर जो नंबर दिए थे आप उस नंबर को यहाँ पर डालिए। उस नंबर को डालने के बाद आपने जो पासवर्ड जो नया क्रिएट किया उसको यहाँ पर डालिए। यहाँ पर डालने के बाद उसको यहाँ पर आपने लॉगिन करके देखिए। मैं बता रहा हूँ 110% आप जो है लॉगिन हो जाएंगे। सेम मेथड है फेसबुक और गूगल दोनों के, सेम मेथड। अगर आप फेसबुक को लें तो जैसे मैंने आपको बताया सेम वैसे ही कॉल कीजिए, और गूगल वाले तो वैसे ही जैसे आप फेसबुक वाले कर रहे हैं सेम वैसे ही आपको करना है। लोग यहाँ पर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि लोग जो है दूसरे नंबर से कॉल करते हैं। मान लीजिए उनका नंबर स्टार्टिंग में आता, उनका नंबर है डोकोमो से उन्होंने बनाया है और वो आइडिया पे कॉल करते हैं, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये हो सकता है कोई हैकर है या फिर कोई चीटर है, इसलिए वो जो है लिंक नहीं भेजते। तो आप जो है मैंने अभी जो बताया उसको आप एक बार ट्राई कीजिए, मुझे पक्का पता है कि आपका जो अकाउंट जो खुल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही मेरे सोशल लिंक जो डिस्क्रिप्शन पर है आप वहां से जाकर मुझे जो फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों फ्री में वीडियो देखकर मत जाइए, लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलता हूँ आपको अपने आने वाले अगले वीडियो, तब तक लिए बाय।